मुझे समझ में नहीं आ रहा इंडियन मार्केट को हो क्या गया है। सब 4 मीटर के अंदर की SUV सेगमेंट में इतना बड़ा ग्रोथ, भैया अब तक का सबसे बड़ा ग्रोथ देखा गया है, वो भी 24% का ग्रोथ। यानी कि हम इंडियंस को क्रेटा और ग्रैंड विटारा जिस सेगमेंट में स्टैंड करती है मिड साइज SUV सेगमेंट से ज़्यादा हम इंडियंस को कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट पसंद आ रहा है, यानी कि जिस सेगमेंट में नेक्सॉन, ब्रेजा और XUV 3XO जैसी गाड़ियाँ आती हैं। इसलिए दोस्तों अगले कुछ महीनों में अगर आप भी एक कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो लिटरली आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉम्पैक्ट SUV की सेल मई 2023 के मुकाबले मई 2024 में कौन सी गाड़ी ग्रोथ पर है और कौन सी गाड़ी डी ग्रोथ पर है, और कितने ग्रोथ पर है और कितने डी ग्रोथ पर है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही अप्रैल 2024 के मुकाबले मई 2024 में कौन सी गाड़ी कितनी ग्रोथ और डी ग्रोथ पर रही ये भी बताऊंगा मैं आपको। So without wasting our time, let's uncover the video. तो जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अब तक का सबसे बड़ा ग्रोथ देखा गया है 24.47% का, वो भी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, जिसमें नंबर 1 गाड़ी की बात करें तो वो है टाटा पंच और इसका इलेक्ट्रिक अवतार, जिसने 70.34% का रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ किया है। इस गाड़ी ने मई 2024 में 18,949 यूनिट्स बेचे हैं, जबकि पिछले साल इसने 11,124 यूनिट्स ही बेचे थे मई 2023 में। दूसरे नंबर पर है मारुति की ब्रेजा। इस गाड़ी ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए 5.88% का ग्रोथ के साथ 14,146 यूनिट बेच डाले हैं मई 2024 में, जबकि पिछले साल मई 2023 में 13,398 यूनिट्स ही बेच पाई थी। वहीं अगर टाटा नेक्सॉन की बात करें तो ये लिस्ट में नंबर 4 पर है, ये और इसकी इलेक्ट्रिक वर्जन। पिछले साल के मुकाबले ये गाड़ी लगभग 20% के डी ग्रोथ पर है, यानी कि इस साल ये 11,457 यूनिट बेच पाई है, जबकि पिछले साल 14,423 यूनिट बेच दिए थे इसने। अगली गाड़ी है लिस्ट में नंबर 5 पर महिंद्रा की XUV 3XO, और इस गाड़ी ने भैया लिटरली कमाल कर दिया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो पिछले साल पुराना वाला वर्जन था XUV 300, वो 5,125 यूनिट बिकी थी, लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो भैया 95.12% का ग्रोथ के हिसाब से 10,000 यूनिट्स इसने बेच दिए हैं मई 2024 में महिंद्रा की नई XUV 3XO ने। लिस्ट में नंबर 6 पर है हुंडई की वेन्यू, जो कि इस महीने 9,327 यूनिट ही बेच पाई है मई 2024 में, यानी कि लगभग 8.5% का डी ग्रोथ है, जबकि पिछले साल इसने मई 2023 में 10,213 यूनिट बेच दिए थे। अगली गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो, जो कि नंबर 7 पर है। इस गाड़ी ने 1.76% का डी ग्रोथ देखा गया है, जो कि बहुत ही माइनर सा है। इस साल ये गाड़ी 8,026 यूनिट बेच पाई है, जबकि पिछले साल 8,170 यूनिट इसने बेच दिए थे मई महीने में। लिस्ट में नंबर 8 पे है हुंडई की एक्स्टर, 7,697 यूनिट्स इसने बेच दिए हैं, पिछले साल ये गाड़ी अनअवेलेबल थी। वेन्यू का ही दूसरा जुड़वा भाई यानी कि सोनेट, ये गाड़ी भी वेन्यू की तरह डी ग्रोथ पर है, 9.91% का डी ग्रोथ पर। इस महीने इसने 7,433 यूनिट बेचे हैं, जबकि पिछले साल 8,251 यूनिट्स इसने सेल कर दिए थे। इतने सारे डी ग्रोथ देखने के बाद अब हम जाग रहे हैं फाइनली ग्रोथ वाली गाड़ी पर, यानी कि नंबर 10 पर है महिंद्रा की थार। पिछले साल इसने मई 2023 में 4,296 यूनिट्स बेचे थे, जबकि 33.85% का ग्रोथ के साथ में 5,750 यूनिट्स मई 2024 में महिंद्रा थार ने सेल कर दिए हैं। लिस्ट में नंबर 11 पर है निस्सान की मैग्नाइट, 15.55% के डी ग्रोथ के साथ में 2211 यूनिट ही बेच पाई है, जबकि पिछले साल 2618 यूनिट बेच डाली थी इसने। वैसे निसान की मैग्नाइट का जल्द ही फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लिस्ट में नंबर 12 पर है फ्रॉन्क्स का रीबैच वर्जन, यानी कि टोयोटा की टेजर। पिछले साल ये गाड़ी थी नहीं, तो इस महीने अगर देखा जाए मई में तो 2,180 यूनिट्स इसने बेच डाले हैं, जबकि फ्रॉन्क्स भैया 9,800 यूनिट्स इसने सेल करे हैं। लिस्ट में नंबर 13 पर है रेनो की कैगर, 50% के डी ग्रोथ के साथ भैया 850 यूनिट्स इसने बेचे हैं पिछले महीने मई 2024 में, जबकि पिछले साल इसने मई 2023 में 1713 यूनिट्स इसने सेल कर डाले थे। मारुति की जिम्नी अगर आप लेने का प्लान करें तो आप जान लीजिए कि मई 2024 में 274 यूनिट्स इसने सेल कर किए हैं पूरे भारत भर में भाई, और पिछले साल ये गाड़ी अनअवेलेबल थी, उस समय तक लॉन्च नहीं हो पाई थी।
ये था दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवी का पिछले एक साल का कंपैरिजन, टाटा पंच, मारुति ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, टाटा नेक्सॉन, एसयूवी 3XO, वेन्यू, बोलेरो जैसी गाड़ियां का। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इनका अप्रैल 2024 और मई 2024 में क्या बदलाव आया है इस एक महीने में इनका सेल, तो आप वीडियो पे आगे बने रह सकते हैं, नहीं तो आपके लिए धन्यवाद। तो आइए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। लिस्ट में नंबर एक पर है टाटा की पंच, जो कि 1% के डी ग्रोथ पर है, 18,949 यूनिट ही बेच पाई, जबकि पिछले महीने 19,158 यूनिट्स इसने बेचे थे। लिस्ट में नंबर दो पर है मारुति की ब्रेजा, 14,186 यूनिट्स इसने बेच डाले हैं, लेकिन फिर भी 17% के डी ग्रोथ पर है, क्योंकि पिछले महीने अप्रैल में इसने 17,113 यूनिट सेल करे थे, लगभग 2,927 यानी कि लगभग 3,000 यूनिट का डिफरेंस आ गया है। मारुति की फ्रॉन्क्स का अगर देखा जाए तो ये गाड़ी भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी डी ग्रोथ पर है अप्रैल के मुकाबले। अप्रैल में इसने 14,286 यूनिट बेचे थे, जबकि मई 2024 में 12,681 यूनिट्स ही बेच पाई, यानी कि फ्रॉन्क्स की 1600 गाड़ियां कम बिकी है मई में कंपेयर टू अप्रैल। अगली गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन, ये 2.59% के ग्रोथ पर है, अप्रैल महीने में इसने 11,168 यूनिट ही बेच पाई थी, जबकि मई में ये आंकड़ा बढ़कर 11,457 यूनिट्स हो गया। लिस्ट में नंबर फाइव पर है महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO। भैया महिंद्रा ने अपनी गाड़ी का नाम और डिज़ाइन चेंज करके इस पर अगर देखा जाए तो भैया 149% का ग्रोथ है, यानी कि अप्रैल में इसने 4,000 यूनिट्स बेचे थे, जबकि मई में इसने 10,000 यूनिट सेल कर डाले हैं। हुंडई की वेन्यू में जबकि थोड़ा सा माइनर सा ग्रोथ देखा गया है 2.27% का, अप्रैल में इसने 9,120 यूनिट बेचे थे, जबकि मई में 9,327 यूनिट बेच डाले हैं। वही लिस्ट में नंबर सेवन महिंद्रा की बोलेरो 15% के डी ग्रोथ के साथ में 8,026 यूनिट बेचे, जबकि अप्रैल में इसने 9,537 यूनिट बेच डाले थे। लिस्ट में नंबर आठ पर है हुंडई की एक्सटर, इसमें माइनर सा डी ग्रोथ देखा गया है 0.76% का, क्योंकि अप्रैल में इसने 7,756 यूनिट बेचे थे, जबकि मई में 7,697 यूनिट्स, यानी कि लगभग 59 यूनिट्स का डिफरेंस है। वही लिस्ट में नंबर नौ पर है किया की सोनेट, इस पर अगर देखा जाए तो मात्र 5-6% का डी ग्रोथ देखा गया है, यानी 468 यूनिट का डिफरेंस आया है अप्रैल और मई के मुकाबले में। वही महिंद्रा थार में अगर देखा जाए तो 410 यूनिट कम बेचे हैं इसने। निसान की मैग्नाइट्स ने 193 गाड़ियां कम बेची है, जबकि टोयोटा की टेजर ने 2,180 यूनिट ज़्यादा बेच डाले, क्योंकि अप्रैल में उस समय पर अनअवेबिलिटी थी और इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई थी, और मई में इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो गई, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ इसका दिखाई दे रहा है। रेनो की काइगर की अगर बात करें तो ये गाड़ी लगभग 19% के डी ग्रोथ पर है, 209 यूनिट्स इसने कम बेचे हैं, और मारुति की जिम्मी 17 यूनिट्स इसने ज़्यादा बेचे हैं, 6.61% का ग्रोथ देखा गया है इस पे। मई 2024 के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के कुल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 111,021 यूनिट बेची गई है, जबकि मई 2023 में 89,194 यूनिट्स बेच पाई थी। ये ग्रोथ देखने के कई कारण है, क्योंकि लोगों का कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सब 4 मीटर एसयूवीज में आपको एसयूवी वाली फीलिंग्स भी आ जाती है, प्लस आपको एडवांस और हाईटेक फीचर्स भी मिल जाते हैं बड़ी एसयूवीज की तरह। इसके अलावा खासकर इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आना और इसकी डिमांड साल दर साल बढ़ते जाना भी एक कारण है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस तरह के और भी वीडियोस देखना है तो हमारा चैनल कार चमत्कार को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।